Hello students, welcome to Ensiatic Sizer Solution series. In the previous episode we have finished till question number 16. Here we are going to start from question 17 onwards. So let's start the lecture with the motivational code. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सो हमें इसको प्रूफ इवैल्यूएट uh, करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सो मेरे पास आए है ज़ीरो टू ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जीरो से एफ एक्स डी एक्स ज़ीरो टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स नाइन्टी परसेंट ये प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपने भी देखा होगा अभी तक हम सिक्सटीन क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में या ऑल्टरनेट क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज़ की है तो जनरली अगर ज़ीरो से ए है तो हम प्रेफर कर लेते हैं ये वाली प्रॉपर्टी uh, यूज़ करने का बट बाकी डि क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है नाउ एक्स को मुझे किससे रिप्लेस करना है ए माइनस एक्स से ओके ए माइनस एक्स और यहाँ पे भी एक्स को मुझे ए माइनस एक्स से रिप्लेस करना है ओके डी एक्स तो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स और ये मेरा आएगा रूट एक्स बिकॉज ए ए विल कैंसिल आउट नाव टेक इट इक्वेशन टू दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट नाव एड वन एंड टू जब आप वन एंड टू को ऐड करेंगे देन वट विल यू गेट इसको इसको ऐड करेंगे तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसिल आउट राइट सो देखिए टू आई इजिकल्स टू जीरो टू ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स Plus root a minus x upon x root a minus x. Okay, dx. Now, 2i equals to 0 to a x plus root a minus x upon root x plus root a minus x dx. 2i equals to dx only. ज़ीरो टू ए राइट नाउ हम यहाँ पे एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ मुझे ए मिलेगा सो आई विल बी ए अपॉन टू ओके सो ये मेरा इंटीग्रल सॉल्व हो गया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एटीन तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जीरो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी लाइज इन बिटवीन ए एंड बी ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसका जीरोज़ निकाल लेते हैं सो एक्स इक्वल्स टू वन तो मेरे पास क्या आ गया तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा किस पे वन और सॉरी ज़ीरो और जीरो से वन पे और ये जो है फंक्शन मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा ऑन जीरो uh, से वन से फोर पे ओके okay? तो जीरो टू वन एक्स माइनस वन डी एक्स और वन से फोर एक्स माइनस वन डी एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव तो ये हम पहले फंक्शन डिफाइन कर देंगे एंड देन उसके बाद हम उसको नेगेटिव पॉजिटिव ये हम इस तरह से ले लेंगे कि हमारा जीरो टू वन में वो क्या है नेगेटिव है फंक्शन देख लीजिए एंड वन से फोर में पॉजिटिव इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा जीरो टू वन के बीच में देन यू विल गेट नेगेटिव ओके ओके, okay. सो so, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर तो अब इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम यहाँ तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स ज़ीरो टू वन यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स वन टू फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ तो ये यह ज़ीरो है यहाँ पर ये सिक्सटीन बाई टू माइनस फोर अपर लिमिट और वन बाय टू माइनस वन ये लोअर लिमिट हो गया तो ये माइनस वन बाय टू मेरा वन बाय टू हो जाएगा ये मेरा एट माइनस फोर फोर हो गया और ये मेरे पास हो जाएगा वन बाय टू तो ये मेरे पास आ गया फाइव आ गया ओके सो ज़ीरो टू वन के बीच में मेरा नेगेटिव फंक्शन है एंड वन टू फोर में मेरा पॉजिटिव है, है मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व कर दिया तो मेरा ये आ गया

इसको लेके चलते हैं आई इजिकल्स टू ज़ीरो टू एफ एक्स डी जी एक्स डी एक्स ठीक है to to A, Fx, Gx, ये मुझे किसके इक्वल शो करना है इसके इक्वल शो करना है ओके तो अब यहाँ पे मैं अगर जीरो टू ए की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ एफ ए माइनस एक्स एंड जी ए माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी ठीक है मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी यूज़ किया नाउ अब देखिए एफ ए माइनस एक्स मेरा किसके इक्वल दिया हुआ है देखिए यहाँ पर एफ ए माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल है सो so, मैं एफ ए माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ एफ एक्स से बट जी और जी एक्स माइन जी ए माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ देखिए यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है जी ए माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ फोर माइनस जी एक्स तो जी ए माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ फोर माइनस जी एक्स राइट और डी एक्स नॉट टेक दिस इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू एंड यहाँ पर हम क्या कर देते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं ऐड करेंगे देन क्या मिले मुझे मिलेगा टू आई इजिकल्स टू ज़ीरो टू ए एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स फोर माइनस जी एक्स दोनों को ऐड कर दिया मैंने ओके टू आई इजिकल्स टू ज़ीरो टू ए एफ एक्स जी एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स एंड द होल इज डी एक्स इससे ये मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा फंक्शन तो मेरे पास क्या आएगा टू आई इज़ इक्वल्स टू फोर ज़ीरो टू एफ एक्स डी एक्स सो आई इज़ इक्वल्स टू फोर बाई टू ज़ीरो से एफ एक्स डी एक्स और I इक्वल्स टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स यही मुझे प्रूव करना था इंटीग्रल जो है एफ एक्स डी एक्स ये मैंने एल एच एस लेके किया था और मेरा आके आ गया टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज माई आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स देखिए इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ इस फंक्शन को एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन फाइव एक्स डी एक्स और डी एक्स माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू देखिए ये वाला फंक्शन तो बिल इजीली सॉल्व हो जाएगा इस वाले फंक्शन की बाई बात करते हैं इसको मैं आई वन ले, ले लेती हूँ और इसको नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ठीक है डी एक्स का एक्स हो गया आई वन मैंने किसको लिया है माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन फाइव एक्स जरा चेक कर लेते हैं ये फंक्शन ऑड है या इवन है बिकॉज ये माइनस ए टू ए लिमिट है इसकी ठीक है तो एफ एक्स जो है वो मेरे पास है एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस टेन फाइव एक्स राइट अब एफ माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स होगा बिकॉज कॉस माइनस थीटा इस कॉस थीटा है नक्स नगेटिव रखेंगे तो ये हो जाएगा और ये फाइव पावर है तो नेगेटिव तो एफ माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकती हूँ देअर फोर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन और सिंस ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल जो होगा मेरा वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा राइट तो ये आई वन जो है वो मेरा ज़ीरो हो गया तो हम देख लेते हैं आई क्या होगा आई वन क्योंकि मेरा ज़ीरो हो गया और ये मेरा करेंगे अपर लिमिट माइनस लो लोअर लिमिट तो पाई माइनस माइनस पाई बाय टू सो ये मेरे पास हो जाएगा पाई तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पाई तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया पाई मैंने क्या किया फिर से देखेंगे में स्प्लिट कर लिया ये और ये उसको मैंने अलग सॉल्व कर दिया और इसको मैंने चेक कर लिया वेदर दिस इज माय इवन और ऑड और क्योंकि ये मेरा ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली माइनस ए टू ए अगर ऑड फंक्शन होता है तो जीरो होता है और अगर इवन फंक्शन होता है तो टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आई इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाय टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन एक्स फोर प्लस थ्री कॉस एक्स डी एक्स ये है मेरे पास क्वेश्चन ठीक है अप्लाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें ज़ीरो टू पाई बाय टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन पाई बाय टू माइनस एक्स एक्स को ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर रही हूँ मैं और पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स राइट सो आई इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाय टू लॉग फोर प्लस थ्री कॉस एक्स हो जाएगा ये मेरे पास साइन नाइन्टी प्लस थीटा एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा राइट right? ये सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे दोनों इक्वेशन्स को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा मेरे पास जीरो टू पाई बाय टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस लॉग फोर प्लस थ्री कॉस एक्स फोर प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री साइन एक्स डी एक्स राइट टू आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाय टू लॉग ए प्लस लॉग बीज लॉग ए बी सो ये मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस एक्स इंटू फोर प्लस थ्री कॉस एक्स फोर प्लस थ्री साइन एक्स डी एक्स राइट सो यहाँ मुझे मिलेगा जीरो टू पाई बाय टू लॉग वन डी एक्स लॉग वन इज जीरो सो आई विल बी जीरो ओके तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया सी सो हे वी हैव द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 7.11 in the next episode we will be starting the miscellaneous exercise so see you in next episode till then keep practicing